फिल्मी जगत की हस्तियां विज्ञापन जगत से करोड़ों कमाती हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो एंडोर्समेंट के बाजार में सबसे आगे है। आप सोच रहे होंगे कहीं हम शाहरुख की बात तो नहीं कर रहे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं वो एंडोर्समेंट के मामले में शाहरुख से कहीं ज्यादा आगे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं वो एक साल में फिल्में भी बहुत ज्यादा करते हैं और विज्ञापन भी। हम बात कर रहे हैं खिलाड़ी कुमार की। सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट बाजार 2018 में बढ़कर 1000 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि साल 2017 में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की वैल्यू 795 करोड़ रुपए थी। साल 2018 में ब्रांड एंडोर्समेंट में अक्षय कुमार सबसे आगे रहे। अक्षय कुमार ने साल 2018 में ब्रांड एंडोर्समेंट से 100 करोड़ रुपए की कमाई की। ESP की रिपोर्ट के मुताबिक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि साल 2018 में विज्ञापनों से कमाई करने में टॉप 5 में एक भी खान नहीं है। ESP प्रॉपर्टीज के मुताबिक सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट वैल्यू 2017 के 795 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018 में 995 करोड़ रुपए हो गया। आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे नए सितारे भी खूब कमाई कर रहे हैं विज्ञापन जगत से। ज्यादातर ब्रांड्स अब नए सितारे जैसे विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और सारा अली खान को जोड़ना चाह रहे हैं। टॉप 10 सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट वैल्यू में 20% की वृद्धि हुई है। बड़े सितारों की हिस्सेदारी कुल कारोबार में 61% रह गई है, जो 2017 में 64% थी। ये आंकड़े बताते हैं कि विज्ञापन कारोबार में बड़ा बदलाव आ रहा है और आने वाले समय में और बड़े बदलाव हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। 100 करोड़ रुपए के विज्ञापनों के साथ अक्षय कुमार सबसे आगे हैं, तो शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए आलिया भट्ट नंबर 5 पर काबिज हैं। शाहरुख खान और सलमान खान टॉप 5 में भी शामिल नहीं हैं। आइए देखते हैं टॉप 10 की लिस्ट। अक्षय कुमार 100 करोड़, रणवीर सिंह 84 करोड़, दीपिका पादुकोण 75 करोड़, अमिताभ बच्चन 72 करोड़, आलिया भट्ट 68 करोड़, शाहरुख खान 56 करोड़, वरुण धवन 48 करोड़, सलमान खान 40 करोड़, करीना कपूर 32 करोड़, कटरीना कैफ 30 करोड़। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रांड्स खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए पावर कपल्स जैसे विरुष्का यानी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और दीपवीर यानी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ESP प्रॉपर्टीज के बिजनेस हेड का कहना है, सेलिब्रिटीज और फैशन का स्थायी संबंध है और ये जल्द खत्म नहीं होने जा रहा है, इसलिए बॉलीवुड के सितारे भारतीय युवाओं के फैशन आइकॉन बने रहेंगे।